के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मन्नत मान सकता है कि अगर अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैं इसे हाफिज़े कुरान बनाऊंगा, ये जायज़ है? बिल्कुल मन्नत मान सकता है, और बाद में उसको एहसास हुआ कि हाफिज़े कुरान बनाना तो एक बड़ी आजमाइश वाला मामला है और कोई सही मदरसा नहीं मिल रहा, तो इस मन्नत को तोड़ भी सकता है। तोड़ते वक्त वो कफ़ारा अदा करेगा जो बुखारी और मुस्लिम में आया है, और सूरतुल माईदा की आयत नंबर 89 में 10 वो ग़ुलाम आज़ाद करेगा, ग़ुलाम नहीं आज़ाद कर सकता तो 10 मिसकीनों को खाना खिलाएगा या 10 मिसकीनों को कपड़े लेके देगा, और अगर गरीब है तो 3 रोज़े मुसलसल रख लेगा। नेक मुसलमान की बीवी क्या जन्नत में भी इसकी बीवी होगी? हाँ इंशाअल्लाह ताला, क्यों नहीं, वो तो सूरह अल-मुमिन में भी आता है कि क़यामत दिन हम जो हैं वो लोगों को, जो नेक लोग हैं उनके माँ बाप बीवी बच्चों को जन्नत में एक जगह जमा कर देंगे। औलाद अगर वो नेक थी और माँ बाप उस लेवल के नेक नहीं थे लेकिन डैटम लेवल उन्होंने क्रॉस किया था, यानी 33 नंबर लेके या आजकल तो 40 होते हैं शायद, पास हुए हुए थे, तो औलाद की वजह से माँ बाप जो है को भी उनके साथ कर दिया जाएगा। ये सूरतुल मोमिन के अंदर आता है जिसे सूरह गाफिर कहते हैं। तो जन्नत में भी यकीनन वो बीवी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर उसने खावंद के मरने के बाद कोई और निकाह कर लिया, फिर क़यामत वाले दिन जन्नत में पहुंचने के बाद वो उसका डिसीजन होगा कि वो किस खावंद के साथ रहना चाहती है। इतनी निटी गिटीज़ जो है हमें नहीं बताई गई हैं, तो जितना आया है वो मैंने आपको बता दिया।